हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो आखिरकार दोस्तों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपने बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स को एक बार फिर से राहत दी है। तो क्या है वो राहत की खबर, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है जी स्कूल लॉगिन पे। मैं आपको स्कूल लॉगिन करके दिखाता हूं, देखिए। तो आप देख सकते हैं 30/3/2022 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डेट एक्सटेंडेड फॉर सीसीई फिफ्थ क्लास। सो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो देखिए दोस्तों क्या हुआ जी, हमारे सामने नोटिफिकेशन खुल के जो आ जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा गया है, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड जरूरी सूचना, स्कूल मुखिया नु सूचित किया जाता है कि पंजवीं श्रेणी दे सीसीई मीन्स असैसमेंट अंक अपलोड करन दी मिति 5/4/2022 तक बिना जुर्माना फीस वादा किया जाता है। मिथी मिति तो बाद सीसीई अपलोड करन दी सारी जिम्मेवारी स्कूल मुखी दी होवेगी, इस नू अति जरूरी समझा जावे। सो दोस्तों, ये एक अपडेट निकल के आ रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी तक फिफ्थ बोर्ड से रिलेटेड जो असेसमेंट है वो अपलोड नहीं की गई है। सो उसे लेकर स्कूल्स को राहत दी गई है और जो तारीख है वो 5 अप्रैल तक फिर से बढ़ा दी गई है। सो यही एक अपडेट निकल के आ रही थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। सो इस वीडियो में इतना ही।